चलिए दोस्तों, लेकर आ गए हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त एंड कमाल की वीडियो। तो दोस्तों, बिग बिलियन डे सेल में लैपटॉप्स के ऊपर मिलने वाली है 80% एंड भाई 50% तक की ऑफ। और इसके बीच में मैंने दोस्तों पार्ट वन के विषय में बताया था कि लैपटॉप्स के प्राइस आपको कितने ड्रॉप मिलेंगे। सारे प्राइस कन्फर्म किए थे जो मैंने आपको लैपटॉप बताए, लेकिन उसके पीछे कई लैपटॉप रह गए थे जो मैंने पार्ट टू के विषय में कवर कर दिए। अब पार्ट थ्री के बीच में आप लोगों ने जितने अभी तक कमेंट किए हैं ना, सभी के कमेंट पढ़कर जो लैपटॉप मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो ये पार्ट थ्री के बीच में आपको मैकबुक भी मिलेगी, गेमिंग लैपटॉप भी मिलेगा, 40,000 में लैपटॉप मिलेगा, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 तक, 200, सबसे पावरफुल i9 वाले, i5 वाले, RTX 2050 वाले, RTX 3050 वाले, ये सारे ग्राफिक कार्ड हो गए और i5 के प्रोसेसर हो गए, राइजन के प्रोसेसर हो गए, हर एक के दोस्तों आपकी डिमांड के मुताबिक मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसके बीच में ऐड किए जो लैपटॉप है एंड मैकबुक है वो प्राइस आपको पता चलने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है और इसके बीच में टोटल भाई 26 लैपटॉप मैंने ऐड किए हैं मैकबुक मिलाकर ही। तो दोस्तों, पार्ट थ्री के बीच में बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा बनाना है, तो अच्छा करने के लिए भाई अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो शुरू करते हैं हम ऑनर मैजिकबुक 14। ये AMD Ryzen 5500U प्रोसेसर वाला है, सो कि इसके बीच में 8GB रैम मिलती है, 512GB की SSD मिलती है, गेमिंग के बीच में आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा। अगर आपने एक लो बजट के बीच में परचेस करना है, मीन की 25 और 26 हजार के बीच में, तो ये लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 237,990 रुपीज का भी मिल रहा है, 42% की ऑफ है, बट इसके ऊपर 60% तक की, 70% तक की ऑफ जाएगी। सो कि यही वाला लैपटॉप आपको मिल जाएगा 25 और 26 हजार के बीच में देखने को मिल जाएगा इस बार की सेल में। सो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ये डील रहेगी। तो नेक्स्ट लैपटॉप आता है MSI Katana 15। दोस्तों, ये 12th जनरेशन का है, इसमें i5 का प्रोसेसर मिलता है 12450H का और इसमें 40 सेंटीमीटर की फुल HD दोस्तों 144Hz की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की गई है, 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, देन इसके बीच में आपको गेमिंग के लिए बहुत तगड़ा ग्राफिक कार्ड मिलता है, NVIDIA GeForce RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड मिलता है, सो कि बहुत ही ज्यादा वेल एंड बढ़िया है। तो इसके प्राइस की बात करते हैं, अभी इसका प्राइस चल रहा है 88,860 रुपीज का, अभी 8% की ऑफ चल रही है, बट इसी पर आपको 45 और 50% तक की ऑफ मिलेगी, सो कि यही लैपटॉप आप परचेज कर पाओगे 65,000 का। तो नेक्स्ट बात आती है Acer Nitro 5। तो दोस्तों, ये Acer कंपनी का 12th जनरेशन का लैपटॉप है, इसमें i5 का गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, सो कि इसमें 15.6 इंचेस की IPS दोस्तों डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, सो कि गेमिंग के विषय बहुत ही जबरदस्त आपको दोस्तों ये ग्राफिक्स देगा एंड सपोर्ट करेगा विदाउट लैग। आप इसमें गेमिंग एंड एडिटिंग वगैरह आप खेल सकते हो, रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो। इसमें RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया, 144Hz की रिफ्रेश रेट है इसमें, सो कि ये दोस्तों एक 8GB लाइटिंग वाला कीबोर्ड वाला ये गेमिंग लैपटॉप है, सो कि अभी इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों 20% ऑफ पर 72,990 रुपीज़ का, बट इस बार की सेल के बीच में यही आप दोस्तों परचेज कर पाओगे 60,000 एंड 55,000 के राउंड के बीच में आप परचेज कर पाओगे। तो नेक्स्ट लैपटॉप दोस्तों हमारा आता है HP स्मार्ट चॉइस। तो दोस्तों, ये वैक्स गेमिंग लैपटॉप है, ये AMD Ryzen 5 5500H के साथ आता है, इसमें दोस्तों आपको मिल जाती है 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले और 8GB की रैम, 512GB की SSD, सो कि गेमिंग के लिए दोस्तों ग्राफिक कार्ड इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल चुका है। इसमें Radeon RX 6500 का दोस्तों देखने को मिल जाता है, इसमें ग्राफिक कार्ड बढ़िया 4GB रैम का दोस्तों ग्राफिक कार्ड है और 144Hz की रिफ्रेश रेट है, सो कि ये लैपटॉप दोस्तों ऑब्वियसली एक बढ़िया लैपटॉप है। बस इसके बीच में 8GB की लाइटिंग नहीं है, बट गेमिंग के लिए आपको ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, सो कि इसका डिजाइन वाइज भी बहुत वेल है, 25% ऑफ पर अभी मिल रहा है 57,990 रुपीज का, और बिग बिलियन डे सेल में यही आप 200 परचेज कर पाओगे, मैक्सिमम 240,000 तक का परचेज कर पाओगे, 40,000 में इतना अच्छा आपको एक मिल जाएगा भाई Radeon का इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेल न्यू G15। तो ये यार एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कमेंट बॉक्स के बीच में, तो ये लैपटॉप कितने प्राइस में आएगा। तो देखो यार, ये डेल न्यू G15 जो है ना, इसके बीच में AMD Ryzen 5 5600H का इसमें प्रोसेसर आता है, इसमें 16GB की रैम प्रोवाइड की गई है, 512GB की SSD है, सो कि गेमिंग के लिए भी ये अच्छा एक लैपटॉप है। RTX 3050 का 4GB का इसमें ग्राफिक कार्ड मिलता है, देख सकते हो भाई 15.6 इंच के साथ आता है, इसका साइज भी सही है और 120Hz की रिफ्रेश रेट है, 144Hz रिफ्रेश रेट बट 120Hz रिफ्रेश रेट भी बहुत वेल है। और ये लैपटॉप का जो अभी प्राइस चल रहा है वो 23% ऑफ के साथ 78,490 रुपीज का, बट इस बार की सेल के बीच में यही आपको मिल जाएगा 65,000 से लेकर 62,000 तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस ये डेल के लैपटॉप के ना प्राइस थोड़े कम ड्रॉप होते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इसका इतना एक्सपेक्टेड प्राइस बताया है। तो आप लोग कहते होंगे कि यार पहले तो इतना ज्यादा भाई महंगा था, लेकिन वो सस्ते मिल रहा, बट ये भाई आपको इतने तक ही मिल पाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा MSI Gaming Sword 15। दोस्तों, ये इंटेल 12th जनरेशन i5 के प्रोसेसर
12,500H के साथ आता है। इसमें 40 सेंटीमीटर की फुल HD दोस्तों आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है और 144Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। सो कि इसमें 16GB की रैम है, 1TB की दोस्तों आपको SSD प्रोवाइड की गई है। सो कि ये गेमिंग के लिए भी भाई एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। बट इसमें RGB की दोस्तों लाइटिंग मिलती है, RGB की लाइटिंग और रिफ्रेश रेट भी बढ़िया है। ग्राफिक कार्ड ऑल ओवर सब कुछ वेल है, हर एक चीज के लिए ये लैपटॉप आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। अच्छी परफॉर्मेंस लेने वाला अगर लैपटॉप चाहिए तो ये परचेज करना। ये अभी 21% ऑफ पर 284,000 का मिल रहा है, बट सेल के बीच में यही आपको 70,000 तक देखने को मिल जाएगा, 70,000 तक आप परचेज कर पाओगे MSI Gaming Sword 15। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा MSI Cyborg 15। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि ये Intel 12th जनरेशन वाला है और i5 12450H का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, 40 सेंटीमीटर के फुल HD 144Hz की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की गई है, 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। सो कि इसका वेब कैमरा हो गया और ये कितने टाइम तक दोस्तों आप इसको 48 घंटे तक आप नॉन स्टॉप इसका यूज कर पाओगे। और इसमें गेमिंग के लिए RTX 2050 का ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है, सो ग्राफिक कार्ड भी बढ़िया है। तो ये लैपटॉप का भी प्राइस चला 6% ऑफ के साथ 64,062 का, बट सेल के बीच में आप परचेस कर पाओगे 45,000 का परचेस कर पाओगे। तो नेक्स्ट लैपटॉप आता है Asus TUF Gaming F17। तो दोस्तों आपने कमेंट किया था, एक भाई ने कमेंट किया था, तो उसी के कमेंट के मुताबिक मैंने ये ऐड किया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसके बेसिक फीचर्स की। इसमें आपको i5 का दोस्तों इंटेल कोर i5 का 11040H का आपको 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है और इसमें 17.3 की एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 17.3 की बढ़िया है यार, और साथ में फुल HD के साथ 144Hz की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की गई है। गेमिंग लैपटॉप है, 8GB रैम, 512GB की SSD और 4GB का एनवीडिया GeForce RTX 2050 का ग्राफिक कार्ड है। तो अभी इस लैपटॉप का जो प्राइस चल रहा है वो 23% ऑफ के साथ 59,990 रुपीज का मिल रहा है, बट इस बार की सेल में यही आप परचेस कर पाओगे, मैक्सिमम 42,000 तक आपको मिल जाएगा, 42,000 तक बहुत ही अच्छा आपके लिए प्राइस रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा लैपटॉप आता है Asus VivoBook Pro 15 OLED। तो दोस्तों ये आता है हमारा AMD Ryzen 5 5600H के साथ, इसमें फुल HD OLED 10200 डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 16GB रैम है एंड 512GB की SSD है, 4GB का 200 रैम वाला ग्राफिक कार्ड है RTX 3050 का। सो कि अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो या फिर आप इसमें रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, ऑल ओवर हर एक चीज आप इसमें बहुत ही स्मूथली रन करवा सकते हो। तो ये लैपटॉप का भी प्राइस चल रहा है 25% ऑफ पर 72,990 रुपीज का, और सेल के बीच में यही आपको देखने को मिल जाएगा 60,000 एंड 55,000 के अराउंड आप परचेस कर पाओगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है एप्पल मैकबुक एयर M1 चिपसेट के साथ। तो दोस्तों ये 13.3 के साथ 200 रेटिना डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 8GB रैम है, 256GB की SSD प्रोवाइड की गई है, बैकलाइट दोस्तों कीबोर्ड्स प्रोवाइड की गई है और फेस टाइम HD कैमरा मिल जाता है इसमें और टच ID वगैरह ऑल ओवर सब कुछ है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त दोस्तों लैपटॉप है और दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त एप्पल की तरफ से प्रोवाइड किया गया मैकबुक का। और ये लैपटॉप का प्राइस की बात करते हैं, ये 20% ऑफ पर अभी मिल रहा है 79,990 रुपीज। यही वाला लैपटॉप भाई आपको देखने को मिल जाएगा इस बार की सेल के बीच में, ये आपको मिल जाएगा 65,000 तक आप आराम से परचेस कर पाओगे, 65,000 बहुत ही अच्छा आपके लिए बजट रहेगा और बजट वैल्यू फॉर मनी आप इसको परचेस कर पाओगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा Acer Aspire 7। तो दोस्तों ये AMD Ryzen 5 200 हेक्सा कोर 5500U के साथ दोस्तों आता है, इसमें 15.6 की आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। सो कि ये 8GB रैम 512GB के साथ आता है, इसके बीच में आपको गेमिंग के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, इसमें GeForce GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड मिलता है। सो कि मेरे PC के बीच में भी यही ग्राफिक कार्ड लगा है। तो इसके प्राइस वाइज बात कर लेते हैं, 38% की ऑफ तो अभी मिल रही है, 47,999 रुपीज का भी मिल रहा है, बट सेल के बीच में यही आपको 35,000 बजट तक दोस्तों देखने को मिल जाएगा, 35,000 और 36,000 तक आप परचेस कर पाओगे। अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो आपको 34,000 और 33,000 का भी भाई मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों एक और वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप की। तो दोस्तों ये Acer Aspire 3 ये इंटेल कोर i5 12th जनरेशन के दोस्तों प्रोसेसर के साथ आता है, इसके बीच में 16GB की रैम 512GB की SSD है। इसके मुताबिक बताऊं तो यहां पर फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 1.7 kg तक का वेट है, बट अगर भाई लोग आपने एडिटिंग करनी है लाइव स्ट्रीम वगैरह करनी है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। और ये भाई अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए भाई काम वगैरह करते हो तो उसके लिए अगर आप एक परचेस करना चाहते हो लैपटॉप, तो ये लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करूंगा Acer Aspire 3 12th जनरेशन वाला। तो ये लैपटॉप अगर आप परचेस करोगे, अभी 35% की इसके ऊपर ऑफ चल रही है, तो 47,990 रुपीज का भी मिल रहा है और सेल के बीच में यही आपको 32,000 तक देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों अभी जो बताने वाला हूँ ये मोस्ट पावरफुल, बहुत ही पावरफुल दोस्तों लैपटॉप है जो बता रहा हूँ। ये लैपटॉप का नेम है डेल G15 5530 गेमिंग लैपटॉप है और इसके बीच में इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर मिलता है 13650HX के साथ। प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, 16GB की रैम मिलती है और इसमें आपको 512GB की SSD प्रोवाइड की गई है। SSD आप थोड़ी बढ़ाकर चलना और इसमें NVIDIA RTX 4050 का ग्राफिक कार्ड मिलता है, वो भी 6GB रैम वाला और DDR6 का। डिस्प्ले वाइज की 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और ये लैपटॉप दोस्तों आप 100% RGB लाइटिंग वाला आपको मिलता है। तो अभी आप इस लैपटॉप का प्राइस देखोगे तो 21% ऑफ चल रही है, 1,36,990 रुपीज़ का मिल रहा है, बट सेल के बीच में यही आपको मिल पाएगा 95,000 तक आप परचेज कर पाओगे। सो कि इसके ऊपर इतना भाई चलने वाला है प्राइस, 50% एंड 55% की ऑफ इसके ऊपर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आता है एप्पल 2023 मैकबुक प्रो M2। तो दोस्तों ये है प्रो चिप सेट के साथ आने वाला, 12 कोर के साथ GPU एंड 19 कोर GPU के साथ दोस्तों ये आता है। तो 16GB की आपको दोस्तों मेमोरी प्रोवाइड की गई है, 1TB तक की SSD मिल चुकी है। अभी 8% की ऑफ चली है बट सेल के बीच में 30% है 40% की दोस्तों ऑफ जाएगी मैकबुक्स के ऊपर। तो ये मैकबुक की बात करते हैं प्राइस वाइज की, इसमें 8% की ऑफ चल रही है जिसका अभी प्राइस शो हो रहा है 2,29,990 रुपीज का, बट सेल के बीच में यह परचेज कर पाओगे 1,80,000 तक आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी डील में मिलेगा। और अगर आपने मैकबुक लेना है, आपके पास पैसे है, तो आप मैकबुक ये वाला परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा ASUS ROG Zephyrus G16, ये 216 इंचेस के साथ आता है और इसके बीच में आपको दोस्तों मिल जाती है फुल HD प्लस 165 हर्ट्ज की इंटेल कोर i7 का दोस्तों मिल जाता है 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर होगी। इसके बीच में RTX 4050 का 6GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है, 16GB की रैम, 1TB की आपको SSD प्रोवाइड की गई है। सो कि इसका जो दोस्तों प्राइस है वो 17% ऑफ के साथ चलने वाला है और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है दोस्तों 1,44,990 रुपीज का दोस्तों चल रहा है और इस बार की सेल के बीच में यही आपको मिल जाएगा 1,10,000 तक आप परचेस कर पाओगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा ASUS ROG Strix Scar 16। दोस्तों इसमें इंटेल कोर i9 13 जनरेशन का आपको देखने को मिलता है दोस्तों प्रोसेसर और इसके बीच में आपको 240 हर्ट्ज की भाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की गई है, 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। सो कि इसके बीच में आपको 12GB वाला RTX 4080 का गेमिंग दोस्तों ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, 32GB की रैम है, 1TB की हार्ड डिस्क प्रोवाइड की गई है। तो इस लैपटॉप का जो प्राइस है 17% की अभी ऑफ चल रही है, 2,84,990 रुपीज का मिल रहा है, बट इस बार की सेल के बीच में आप 2,25,000 तक आप परचेज कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी डील रहेगी और आप इसके ऊपर मैक्सिमम 40% तक की ऑफ आप ले सकते हो ये वाले लैपटॉप में। तो नेक्स्ट आता है हमारा MSI GF6310 200 इंटेल कोर i7 11800H के साथ आता है इसका प्रोसेसर। इसमें 214 सेंटीमीटर की आपको फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और इसके बीच में दोस्तों बेसिकली बात करें 8GB की रैम मिलती है, 512GB की SSD मिलती है और गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है GTX 1650, 4GB DDR6 का ग्राफिक कार्ड और गेमिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 37% ऑफ के साथ 56,813 रुपीज़ का और इस बार की सेल में यही आपको भाई देखने को मिल जाएगा 40,000 बजट तक आप परचेस कर पाओगे। 40,000 बजट भाई मैक्सिमम लगाकर चला, जैसे मैंने आपको पहले कहा 30,000 में मैंने आपको बताया, देख लो कैसी परफॉर्मेंस आ दिया, बट ये वाले आपके लिए वेल परफॉर्मेंस देने वाली है। तो उसके बाद आ जाता है ASUS ROG Flow Z13 2022 का वेरियंट है, बट ये भाई लैपटॉप जो है ना फुल HD प्लस के साथ है, 16.10 इंच की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, टच आई कोर i7 12th जनरेशन का भाई इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है। इसमें गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड RTX 3050 4GB रैम वाला दोस्तों ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है और ये गेमिंग लैपटॉप है, इसमें 16GB की रैम है, 512GB की SSD है। देन ये दोस्तों ऑफिस के लिए तो ऑब्वियसली भाई बढ़िया ही है, बट गेमिंग के लिए भी अच्छा है, 40% की ऑफ मिली है, 1,26,873 रुपीज का मिल रहा है, बट सेल के बीच में ये आपको 1,05,000 तक आपको मिल जाएगा। इस बार की सेल में आपको ये बहुत ही अच्छा एक लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको इतने लो बजट में मिलेगा। तो उसके बाद आता है हमारा Apple 2023 MacBook Air लैपटॉप विद 200, इसमें आपको M2 का चिप सेट देखने को मिलता है और इसमें आपको 13.6 इंचेस की आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 8GB की रैम है, 256GB की SSD है। देन इसके बीच में स्टोरेज वगैरह तो ओके है, बट 1080 पिक्सल का आपको वेब कैमरा प्रोवाइड किया गया है, क्वालिटी इसकी वेब कैमरे की बहुत बढ़िया होती है। दोस्तों आपको पता है कि जो एप्पल वाले हैं भाई सोनी के कैमरे यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, जिसके हम DSLR वगैरह दोस्तों लेंस यूज करते हैं तो वही चीज होती है। तो इसका दोस्तों जो प्राइस है यहाँ पर
11% ऑफ के साथ 1,06,989 रुपीज का मिल रहा है। बट इस बार की सेल में आपको यही 85,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। 85,000 एंड 80,000 तक आप परचेज कर पाओगे इस बार की। तो नेक्स्ट आती है हमारी एक और स्मार्ट चॉइस Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7। यह 6800H के साथ प्रोसेसर आता है Ryzen 7 का, और ये दोस्तों ROG Impact माउस विद मैट आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली बताऊं तो ये इसमें 6.6 इंच की फुल HD 144Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है। 4GB RTX का दोस्तों 3050 का दोस्तों ग्राफिक कार्ड मिलता है। 16GB की रैम है, 1TB SSD प्रोवाइड की गई है। देन इसके बीच में दोस्तों जो प्राइस वाइज की बात करते हैं, तो प्राइस वाइज दोस्तों देख लो कि इसके बीच में आपको 36% के ऑफ के साथ 97,149 रुपीज का मिल रहा है। बट सेल के बीच में यही आपको दोस्तों मिल जाएगा 80,075,000 तक आप परचेज कर पाओगे इस बार की सेल में, क्योंकि आपके लिए स्मार्ट चॉइस होगी। अभी इसके ऊपर इतनी ऑफ नहीं चली, बट सेल के बीच में आपको और ज्यादा इसके ऊपर ऑफ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा Asus ROG ZFX Duo 16। तो दोस्तों ये ड्यूल डिस्प्ले के साथ आता है, इसमें ऊपर की साइड में भी डिस्प्ले, नीचे भी दोस्तों डिस्प्ले मिलती है। ये आता है दोस्तों अल्ट्रा HD प्लस एंड फुल HD प्लस 16.10 इंच की 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, और साथ में 240Hz की दोस्तों रिफ्रेश रेट मिलती है। इसमें 16GB RTX 3080 का TI दोस्तों ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसमें ड्यूल गेमिंग स्क्रीन मिलती है आपको, ऊपर की साइड में स्क्रीन है, नीचे भी स्क्रीन मिलती है। और ये लैपटॉप में दोस्तों बेसिकली बताऊं तो कितने तक आपको मिल जाएगा, अभी इसका दोस्तों प्राइस चल रहा है काट कूट के भाई 81,000 इसका लेस हो चुका है, और ये अभी आपको मिल रहा है दोस्तों 3,96,160 रुपीज का। बट इस बार की सेल के बीच में ये आपको दोस्तों 3,10,000 तक दोस्तों मिल जाएगा। 3,00,000 के भाई नीचे भी आ सकता है, वो दोस्तों इसकी डिमांड के हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि ये रेयर लैपटॉप होता है, इसके ऊपर ज्यादा ऑफ नहीं मिलती। बट फिर भी 40% तक की अगर ऑफ चलेगी तो फिर आपको बहुत ही लो बजट में ये मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लैपटॉप आता है हमारा Acer Protector Helio Neo 16। दोस्तों ये गेमिंग लैपटॉप है, 13 जनरेशन वाला। इसमें i7 का प्रोसेसर मिलता है, 16GB की रैम है, 1TB SSD प्रोवाइड की गई है। इसके बीच में आपका NVIDIA GeForce RTX का दोस्तों ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया। तो इसकी प्राइस वाइज बात कर रही है, 14% ऑफ के साथ 1,25,000 का मिल रहा है। बट इस बार की सेल में 1,00,000 तक आप दोस्तों परचेस कर पाओगे। तो 1,00,000 तक दोस्तों अगर आपने ये परचेस कर ली, तो फिर आपके लिए इससे अच्छा भाई लैपटॉप हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो के बीच में भाई जो मैंने आपको लैपटॉप बताए हैं, तो आप इस लैपटॉप के बीच में भाई कौन सा लैपटॉप आपने या मैकबुक पर सिलेक्ट किया है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए याद से। तो आज की वीडियो वॉच करने के बाद आप जल्दी जल्दी भाई इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर कीजिए, याद से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाली है। और इसका भी पार्ट 3 बनाया है, पार्ट 4 अगर आपको इसका चाहिए तो पार्ट 4 के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, उसके बीच में मैं सोचता हूं कि क्या हुआ ने वीडियो बनाए। अगर आप सोचते हो कि यार क्या हुआ ने वीडियो बननी चाहिए, तो क्या हुआ ने के बीच में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं होती, बट आपके कमेंट के भाई डायरेक्टली आपको प्राइजेस में ओनली प्राइजेस कंफर्म कर दूंगा। तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता दो इसका पार्ट 4 के बीच में क्या हुआ ने वीडियो बनाए, तो नीचे लिख दो क्या हुआ ने वीडियो पार्ट 4। तो बस इतना आपने लिखा क्या हुआ ने वीडियो पार्ट 4। तो देखते हैं भाई लोग कितने लोगों ने क्या हुआ ने वीडियो पार्ट 4 आपको चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।